आपने बहुत बार ये बात सुनी होगी कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स हमें नहीं लेने चाहिए क्योंकि उसकी हमें आदत पड़ जाती है और फिर अगर हम प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स लेना छोड़ दें तो हम कभी प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने या फिर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ने इस बात को इतना बड़ा चढ़ा के बोला है कि लोगों ने आंखें बंद करके उस चीज़ पर भरोसा करना स्टार्ट कर दिया। किसी ने नहीं सोचा कि एक बार अगर वो गूगल कर लें या फिर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें तो उनको बात क्लियर हो जाएगी कि ये चीज़ बिल्कुल बेसलेस है। तो प्री वर्कआउट में मेन कंपोनेंट क्या होता है जो हमें एनर्जी देता है? सब जानते हैं कि प्री वर्कआउट में मेन कंपोनेंट कैफीन ही होता है। तो क्या इसमें कोई एडिक्टिव भी डाले जाते हैं जिनसे हमारी बॉडी को इसकी आदत पड़ जाती है? तो 95% प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स में कोई भी एडिक्टिव नहीं डाला जाता। मेन कॉम्पोनेंट इसका कैफीन है जो एक एडिक्टिव की तरह काम करता है। तो चाहे अगर आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले रहे हो या फिर कॉफ़ी पी रहे हो, आपको इस चीज़ की लत लग सकती है। पर अगर आप सोच रहे हो कि प्री वर्कआउट की आपको लत लग जाएगी तो इस चीज़ की टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ की आपको लत लग रही है एक्चुअली में वो कैफीन है, ना कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट। प्री वर्कआउट इस तरह से डिज़ाइन होते हैं जिससे आपका मसल माइंड कनेक्शन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो जो एक्सरसाइज करने में आपको कॉन्सेंट्रेशन बनती है, आपको उस चीज़ की आदत लग सकती है, पर सप्लीमेंट की एडिक्शन आपको नहीं हो सकती। तो प्री वर्कआउट को आप कभी भी ले सकते हो, इनमें कोई भी एडिक्टिव्स नहीं होते। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यू कैन फॉलो मी फॉर मोर टिप्स।